हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का इंटरव्यू चल रहा है जो कि 23 अक्टूबर को हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अपवादों द्वारा प्रबंध की तकनीक को विकसित किसने किया था। तो वो अपवादों द्वारा प्रबंध की तकनीक को विकसित किसने किया था, तो इसका जो लेस्टर आर बीटेल ने ये विकसित किया था तकनीक को। इसके बाद पूछा गया है क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ बताना है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, तो यह वित्तीय संस्था द्वारा दिया गया एक ऋण है जिसे आप उपयोग में ला सकते हैं। तो क्या है क्रेडिट कार्ड, यह वित्तीय संस्था द्वारा दिया गया एक ऋण है जिसे आप उपयोग में ला सकते हैं और फिर मासिक किस्तों में कुछ समय चुकाते हैं और आपकी क्रेडिट कार्ड की एक निश्चित सीमा होगी और आपको अपना कुल बैलेंस उस सीमा के भीतर रखना होगा। तो ये था क्रेडिट कार्ड और इसके बारे में देखिए और भी डिटेल में मैं बताता हूँ। जब आप भुगतान करते हैं तो आपका खर्च भुगतान करते हैं तो आपका खर्च की गई रकम और ब्याज वापस लौटा रहे होते हैं, सिवाय इसके कि आपकी खरीदारी पर छूट अवधि उपलब्ध हो या आप केवल खरीदारी करके सारे बकाया का हर महीना पूरा भुगतान करते हो। तो जब आप क्रेडिट कार्ड का बुद्धिमानी से प्रयोग करते हैं तो आपके पास हर महीने अपनी आय के प्रबंधन का एक सरल तरीका होगा। तो ये था क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का मैंने पूरी परिभाषा यहाँ पर आपको बताया है। और इसके बाद देखिए पूछा गया है ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति किसे कहते हैं, तो इसका सटीक आंसर जो होगा आपको यहाँ पर है, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्यों से अधिक भुगतान राशि को ख्याति कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग साथ ही साथ लाइक भी करते चलिएगा क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। और इसके बाद देखिए पूछा गया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग सबसे पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताइए। तो इस तरह से देखिए ये कॉमन क्वेश्चन जो है, मैंने इस पर एक पर्सनली मतलब कि सिर्फ इसी पर कॉमन क्वेश्चन पर ही मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। और साथ ही साथ जो जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू का वीडियो मैंने डाला हुआ है वो वीडियो भी एक बार जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी उठाए जा रहे हैं। और देखिए इसका जो सटीक आंसर जो होगा आपको इस तरह से देना है, ये तो समझिए कि आमतौर पर इसी प्रश्न से इंटरव्यू की शुरुआत होती है, तो ये इंटरव्यू का मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन ही होता है एक तरह से। और अगर आप अनुभवी हैं तो इस सवाल का जवाब अपनी पिछली जॉब के बारे में बताते हुए अपनी दो तीन उपलब्धियों को बताकर भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद देखना है कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप अपनी केवल क्वालिफिकेशन और क्वालिटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में ही बताना होगा आपको अगर आप फ्रेशर हैं तो। और इसके बाद देखिए पूछा गया है आपकी क्वालिफिकेशन में गैप क्यों है, तो ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं इसका मैंने एक अलग से कॉमन वीडियो बना कर रखा हुआ है, आप उसे जरूर खोज कर पढ़ लें, एक बार देख लें और समझ लें अच्छे से। और इसके बाद देखिए जो पूछा गया है क्वेश्चन, पृथ्वी का वह हिस्सा कौन सा है जहाँ जीवन यापन होता है, तो पृथ्वी का कौन सा हिस्सा जीवमंडल होता है जिसमें जीवन यापन होता है। इसके बाद पूछा गया है कि व्यवहारिक शोध किसे कहते हैं, तो व्यवहारिक शोध के बारे में बताना है, वह शोध जो क्षेत्र विशेष में ज्ञान की वृद्धि को प्रस्तुत करता है व्यवहारिक शोध कहलाता है। तो इस तरह से व्यवहारिक शोध हो गया। और आप लोग कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बाद देखिए पूछा गया कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर कंपनी IBM का पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर कंपनी IBM का पूरा नाम, कंप्यूटर IBM का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है IBM का पूरा नाम। इसके बाद देखिए है इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है,
तो इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वो है वैष्णो देवी मंदिर जम्मू। जम्मू की वैष्णो देवी जो मंदिर है वो इंटरनेट से जुड़ने वाली पहला हिंदू तीर्थ स्थल है। इसके बाद देखिए पूछा गया है शब्द FTP। FTP आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसी के द्वारा इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? तो ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? तो वो नेपाल देश है, जो कि अभी तक किसी देश का भी गुलाम नहीं हुआ है। और इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल पूछा गया था। ये बहुत ज्यादा देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इसके बाद देखिए एक और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो श्री वेद व्यास जी थे। और इसके बाद है पूछा गया है नासिक क्यों प्रसिद्ध है? तो नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है सार्क का पूरा नाम बताना है आपको। तो सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है सार्क का पूरा नाम। और इसके बाद पूछा गया है इस तरह आप लोग देखते रहिए, ये सब फुल फॉर्म वगैरह जो भी है वो सारे आप लोगों को रटे होने चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए ये खेल से पूछ दिया गया है, डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? एक चीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोगों को जिस खेल में रुचि है उसी खेल से आप लोग से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो खेल के बारे में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसा खेल के बारे में बताइए जिसमें आप जानते हो, जिसके बारे में और आपकी रुचि भी होगी। तो फुटबॉल से ये डीसीएम ट्रॉफी संबंधित है। इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताओ। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया महाद्वीप है। और इसके बाद चलिए देखते हैं, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करके आप मुझे कहेंगे PDF के लिए। और लेकिन उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, कुछ पैसे पे करने होंगे जो कि बहुत ही नॉर्मल रेट है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, और शेयर तो जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके दोस्तों को भी लाभ हो जाए ताकि, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।